नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने केसो ऑपरेशन के तहत दो अलग अलग जोनों से कुल 15 लोगों को किया राउंड अप। फिरोजपुर छावनी के घुमार मंडी में स्थित माता शीतला मंदिर में मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। भगवान भोलेनाथ का कावड़ में लाए गए गंगाजल से किया गया अभिषेक। सब डिवीजन जीरा की पुलिस ने तीन नौजवानों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी जीरा गुरदीप सिंह ने बताया कि पहले मामले में एक नौजवान को 55 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया गया है, जबकि थाना मलावाला पुलिस की ओर से एक और मामले में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। वहीं थाना सिटी जीरा पुलिस की ओर से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लड़की को विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा और बाद में उसने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली। इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। थाना सिटी जीरा विखे जिहड़ा मुकदमा नंबर 15/7/3 दर्ज किया सीगा, जिस च असीं दोषी सोनी भट्टी कोलों 55 ग्राम हेरोइन बरामद हुई सी, जिस नूं इस मुकदमा विच अरेस्ट किया गया जो कि सिट्टा बेचण दा काम करदा। इस तों इलावा मुकदमा नंबर 21 थाना मलावाले दर्ज होया, जिथे दोषी विजय पासों 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, उस मुकदमे विच उस नूं अरेस्ट किया गया। इस तों इलावा थाना सिटी जीरा पुलिस ने मुकदमा नंबर 16 विच जो कि लखकर दा केस है, दोषी बलजीत सिंह वस जीरा नूं गिरफ्तार किया। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਵਣੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਜ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲਾ, ਜਹਾਂ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇ ਸਾਥ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਔਰ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਆ। वहीं शिवरात्रि के बारे में मंदिर के पंडित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जी माता गौरा जी से विवाह करने गए थे, इसी उपलक्ष में ये पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर जब हमारी टीम ने भक्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी संस्था काशी विश्वनाथ है, हर साल पवित्र शिवरात्रि पर्व पर हरिद्वार से पैदल गंगा जल लाया जाता है और भोलेनाथ जी पर चढ़ाया जाता है। उसी तरह इस बार भी उनके लगभग 40 भक्त कावड़ में गंगा जल लेकर आए और उसे छावनी के घुमार मंडी में स्थित माता शीतला मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित किया गया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, आज बड़ा शुभ समय है, महाशिवरात्रि का दिन है। आज के दिन भगवान शंकर 4 महीने विश्राम के बाद उठते हैं और आज से अपनी जटा भगवान शिव खोल देते हैं। आज के हिसाब से सभी लोग शादी ब्याह करना शुरू हो जाते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज में, और भगवान शिव की जटाओं में जो बंधे हुए सर्दियों में सांप बिच्छू ये सभी लोग ये सब बाहर निकल पड़ते हैं। और आज से गर्मी का महीना बसंत ऋतु का महीना शुरू हो जाता है और भगवान शंकर की सेवा पूजा इस महीने में की हुई बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। सभी भक्तजन ये हरिद्वार से कांवर ला करके और सिद्धपीठ से शीतला माता मंदिर में भगवान शंकर जी को जलाभिषेक कर रहे हैं। बरनाला में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। बरनाला की दाना मंडी में महिला दिवस के मौके पर महिलाओं का बड़ा जमावड़ा हुआ। इस कार्यक्रम में पंजाब भर से लगभग 7,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। मंच संचालन भी महिला नेताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की स्थिति और मौजूदा संघर्षों पर चर्चा हुई। इस मौके पर महिला दिवस मनाने आई महिलाओं ने कहा कि आज पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं को हमेशा घर के चूल्हों तक ही सीमित रखा जाता था, लेकिन अब आज की महिलाएं जाग चुकी हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के मैदान में भी आ रही हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा सिलेंडर के 100 रुपये कम करने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मैं मनजीत कौर काने का हूं। हां जी, आज असीं महिला दिवस के वास्ते इकट्ठे होए हैं। महिला दिवस है जड़ा पहला औरत नूं
पैर की जुत्ती समझा जाता सीगा। पहला इन पर्दे रवाज सीगा, जड़ियां औरतां सी वह पर्दे दे विच रहिंदियां सी, पर अज विज्ञान ने इन्नी तरक्की कर ली सानू पर्दे दे विचों निकले हैं। पहला यह 1910 दे विच शुरू होया महिला दिवस, हौली हौली यह 1914 दे विच 8 मार्च 1914 नू यह जर्मन दे विच मनाया गया, अज सारे पंजाब दे विच सारे हिंदुस्तान च बाहरले मुल्कां च। महाशिवरात्रि पर्व की हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है और भारत में हिंदू धर्म से संबंधित समाज के लोग इस पर्व को बहुत ही हर्षों उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी तरह सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं मंदिर में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। इस दौरान उपाध्यक्ष ललित गुप्ता ने सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की महिमा बताते हुए शुभकामनाएं दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शिवकला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों आज शिवरात्रि के पावन देते सारे संगतान को बहुत बहुत बधाई देना है। शिव जड़ा है साढ़े सनातन पद्धति का एक थीम है, शिव तो बगैर कुछ नहीं, दुनिया सृष्टि कुछ नहीं, शिव ही सृष्टि करता है, शिव ही सब कुछ करने वाला है, शिव के नाल ही सारी दुनिया है, शिव के नाल ही राम है, शिव के नाल ही भगवान है, किशन है, सारे शिव तो बगैर दुनिया च सृष्टि कुछ नहीं है। अज उन्हां दा महापर्व है शिवरात्रि और इत्थे लखां दी तादाद च श्रद्धालु माँ के दरबार च शिव दरबार च मत्था टेक रहे हैं और लंगर खा रहे हैं और आनंद लै रहे हैं और बाल बच्चों समेत परिवार समेत इत्थे आए हैं। मैं अपने प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल बेद जी वालों और दैनिक सवेरा का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने सारी कवरेज की है और सारे का मैं धन्यवाद करता हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने बड़े सुचारू ढंग के नाल सारा चलाया है। मेरे सेवादार भाई, मेरी सारी प्रबंधक कमेटी इस पावन काम के लगी हुई है, मैं सब का धन्यवाद करता हुआ सबनों इस पावन मौके से श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों लख लख बधाई देना है। जय माता दी। नौजवान सांझी सेवा समिति की ओर से 27वां वार्षिक महाशिवरात्रि उत्सव पुरानी सब्जी मंडी चौक जालंधर में बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस पावन पर्व पर शिव विवाह की कथा भक्तों को श्रवण करवाई गई, जिसके बाद भोले बाबा का अटूट लंगर भक्तों में वितरित किया गया। शिव विवाह की कथा का गुणगान जंगम बाबा सोमवीर किशनपुरा वालों ने अपनी मंडली के साथ मिलकर किया। इस अवसर पर विधायक बाबा हेनरी, थाना नंबर 4 के प्रभारी भगवंत सिंह भुल्लर, आम आदमी पार्टी के आगामी नगर निगम चुनाव के संभावित उम्मीदवार बंटी जी, हिंद क्रांतिवीर दल के अध्यक्ष मनोज नन्ना और वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष राजेश विशेष तौर पर शामिल हुए। नौजवान सांझी सेवा समिति के प्रधान दिनेश कुमार, सोनू बालूहंस, डिंपल सीन, रॉबिन शर्मा ने आए हुए सभी गणमान्यों को सिरोपा भेंट कर विशेष तौर पर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हर हर महादेव। साड़ी नौजवान सांझी सेवा समिति वालों लेट श्री दिनेश कुमार जी बबलू प्रधान, असी उन्होंने सुपुत्र जो कि हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि का बड़ी धूमधाम नाल शिवा का विआह ते लंगर का प्रबंध कर रहे हैं। साड़ी प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम नाल जलंधर वासियों के
जलंधर शहर में बड़ी धूमधाम न लंगर ते शिवाजी का विवाह किया जाएगा। अज भगवान भोलेनाथ जी के महाशिवरात्रि का जो पर्व सारे हिंदुस्तान सारे शहर के मनाया जा रहा है, वो साढ़े साथी जेडे बबलू जी स्वर्गीय होंगे सी उन्होंने बेटे नौजवान सांझी शक्ति वालों भी इतने बहुत बड़ा शिवरात्रि का प्लान का उपराला इन्होंने वालों किया गया। असी अपने वालों अपनी सारी टीम वालों इन्ह सारा साथियों को सारे देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई दें तो आस करते हैं प्रभु भोले शंकर इन्हों दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करा के इदा ही समाज की सेवा की धर्म की सेवा की अगे वधाउंदे रहेगा। जय भोलेनाथ हर हर महादेव। अज बहुत ही पवित्र दिहाड़ा महाशिवरात्रि जिहड़ा आ पूरे विश्व के मनाई जा रही है। अज जलंधर के भी वक् वक् स्थानों पर लंगर का आयोजन किया गया। सेवा सांझी संपत्ति जी साडे बबलू जी सीगे वो साडे जमेट ले रहे हूँ, उन्होंने पूरी टीम मेरे छोटे वीर बल्लू हंस जी वालों उन्होंने बेटे वालों सारे वालों हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने विशाल लंगर लगा के विशाल एक समागम किया। पवित्र पर्व के उत्ते देश दुनिया के वसदे सारे हिंदुस्तानियों सब तो पहला तो बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत बहुत बधाई। भोले शंकर जी के चरणों के यही अरदास है कि जिवें असी सारे एकत्र हो के सारे भरा सज्जन मावां भैणां इस महान पर्व को बड़े ही हर्ष उल्लास के नाल मनाते हैं। ये इतफाक आपसी भाईचारा ते प्रेम जिहड़े संस्कार साडे परिवारां दे विच है जालंधर के वार्ड नंबर 69 के अधीन आते प्रताप नगर नजदीक गाजी गुल्ला में सीवरेज की समस्या से इलाकावासी परेशान हैं। इलाकावासियों ने निगम प्रशासन पर रोष जाहिर करते हुए कहा कि वे करीब 2.5 सालों से सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं। सीवरेज का गंदा पानी गली के साथ साथ लोगों के घरों तक घुस रहा है। इलाकावासियों ने कहा कि लगभग 2.5 साल से निगम प्रशासन को वे लगातार मांग पत्र दे रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है। डॉक्टर राजीव ने बताया कि इस गंदे पानी से इलाकावासियों को परेशानियों के साथ साथ बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। डेंगू मलेरिया समेत लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाकावासियों गुरदीप सिंह बेदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि परेशानी कई सालों से आ रही है, अगर कुछ समय तक इस गंदे पानी से छुटकारा ना मिला तो वे अंडर ब्रिज के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ये जो सीवरेज का पानी है मैडम, ये साडे घरां दे विच बाथरूम दे विच किचन दे विच मेरा ख्याल है ज़्यादा ना कहिए तो सारे महल्ले दे विच ही पानी आता है और तुहाडे अज सवेरे 7:30 बजे पानी सीवरेज बैग मारदा और सारे महल्ले दे विच फैलदा और कितों लंघन लई रस्ता नहीं मिलता। अज तो तकरीबन 1.5-2 साल पहले असी अमृतसर के शिवाला बाग भैया मंदिर में शिवरात्रि का त्यौहार भक्तों द्वारा बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर भोले बाबा के दर्शन कर और उनकी विधिवत पूजा अर्चना कर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था तो वहीं इस दिन भोले बाबा को मनाने के लिए भक्त पूजा अर्चना में भांग धतूरा बेलपत्र इत्यादि चढ़ाते हैं और इस दिन भोले बाबा के प्रसाद के रूप में भांग का प्रसाद मिलता है। उन्होंने कहा कि इस दिन जो भी भक्त भोले बाबा से मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस मौके पर असंख्य भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज बहुत खुशी का दिन है कि भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि है और इस खुशी के अवसर पर सारे भारतवासी सनातन धर्म यही संदेश देना चाहता है कि हमेशा खुश रहे सारा परिवार, देश के समाज में हक खुशियाँ मिलती रहे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके लोग हमेशा एक ही चीज़ मांगते हैं, खुशियाँ और संपन्नता। तो यही हम चाहते हैं कि हर आदमी आज नतमस्तक हो रहा है, जो भी आ रहा है कह रहा आज भगवान शिव की बारात है और आज भगवान शिव की शादी है, तो इस खुशी के मौके पर हर कोई झूम रहा, घूम रहा, हर जगह
जहाँ शिवालय वहाँ जाके लोग नतमस्तक हो रहे हैं। मेरा नाम है प्रदा। क्या कहना चाहते हो? आज का दिन बड़ा महत्व। हाँ जी, आज का दिन बहुत महत्व है। भोलेनाथ की आज के दिन शादी हुई थी कि आज यहाँ पे बहुत रौनक है, बहुत ज्यादा भीड़ है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मंदिर में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कैसे मनाया जा रहा है? बहुत बढ़िया मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ मनाया जा रहा है शुरू। भोलेनाथ कितनी खुशी होती है? बहुत ज्यादा। आज तो मैंने व्रत भी रखा है भोलेनाथ के घर। तरन तारण के सरहदी गांव खेमकरण के साथ लगता गांव मियावाल कंटीली तार से पार हिंद पाक की जीरो लाइन पर है। तो वहीं इस स्थान पर कंटीली तार के पास बाबा शेख ब्रह्म जी की दरगाह का स्थान है, जहां पर उनकी याद को समर्पित सभ्याचार मेला करवाया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायकों ने हाजिरी लगवाई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं इस मेले में पाकिस्तानी श्रद्धालु भी इस स्थान पर माथा टेकने के लिए आते हैं। इस मौके पर प्रधान मेहर सिंह ने बताया कि बाबा शेख ब्रह्म जी, जो कि बाबा शेख फरीद जी के वंशज हैं, उनकी याद में ये मेला साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। भीकी विंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अज धन धन पीर बाबा शेख ब्रह्म जी याद के सालाना मेला कराया जा रहा है, जिंदे संगत दूर दरेडे तो बहुत हुम हुमा के पहुँच रही हैं। मेले के पंजाब दी दे मशहूर गायक जंटा तूर अते बीबा जसप्रीत कौर ने हाजिरी लवाई है स्टेज पर। की इतिहास है इस स्थान का? बाबा शेख ब्रह्म जिहड़े ने ये श्री गुरु नानक देव जी के हमसाखी होए ने। श्री गुरु नानक देव ने जिहड़ी बाबा फरीद की बाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच, वो पाकपटन विखे इन्हां तो प्राप्त की सी। इन्हां दी जिहड़ी दरगाह है बहुत पुरानी, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बंद 400 साल पुरानी बाबा शेख ब्रह्म की दरगाह बनी है। जय शिव शक्ति मंदिर अनूपनगर बस्ती दानिश मंडी जालंधर की ओर से 14वां महाशिवरात्रि पर्व प्रधान बंसीलाल की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस दौरान पंजाबी लखा एंड पाटी और दिया सोनी ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस दौरान भक्तों ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर शिवलिंग की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर विधायक शीतल अंगुराल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान बंसीलाल की ओर से शीतल अंगुराल को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनमोल, संजय, सचिन, जयपाल, अश्वनी काला, साक्षी, सुधा, स्वर्णी देवी, गीता रानी, रिया, पूनम, नीलम सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। गुप्ता जूस कॉर्नर 120 फूटी रोड जालंधर की ओर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केदार प्रसाद गुप्ता ने विशेष रूप से मौजूद होकर किया। इस दौरान शिव तांडव का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने शिव तांडव कर भक्तों को भाव विभोर किया। इस मौके पर राकेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता, मनोज गुप्ता सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन के साथ खुशदीप सेठी की रिपोर्ट। प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल जालंधर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया।
इस अवसर पर भक्तों से विधिवत पूजा अर्चना कर मंगल कामना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया था, तो वहीं शिव भक्तों के लिए कई प्रकार के लंगर भी लगाए गए। इस अवसर पर प्रधान यादव खोसला ने सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा और सुदेश भगत की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस बार शुक्रवार, जो कि माँ त्रिपुरमालिनी जी का भी दिन है, उस दिन आया है। बहुत सुंदर संयोग बना है। मैं सभी शहरवासियों को, प्राचीन शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यों की ओर से महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भोले बाबा सबके दुख हरे, दरिद्र हरे, कष्ट हरे, मंगल ही मंगल करें। रघुनाथ मंदिर जंडू सिंघा जालंधर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भक्तों ने विधिवत ढंग से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। भक्तों ने जल, पुष्प, दूध, दही, घी इत्यादि से भोले बाबा का अभिषेक किया। इस मौके पर मंदिर के सेवादारों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान आए हुए संत महापुरुषों ने भगवान शिव की कथा को सुनाकर भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा और सुदेश भगत की रिपोर्ट। की सेवा बराबर है एक नंदी, क्योंकि नंदी हमारा धर्म है, संतति की वृद्धि का स्रोत है। ऐसे नंदी महाराज को भगवान शिव ने अपने साथ रखा, और इतने नहीं तो जितने लोग आज यहाँ बैठे बड़ी संख्या में, और कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं संत सम्मेलन के अंदर शिवरात्रि महापर्व पर, तो मैं एक बात कहूंगा, अपने अपने परिवार को शिव परिवार बनाओ। क्या हम जल तो चढ़ा रहे हैं, हम पेड़ फल तो भगवान को चढ़ा रहे हैं, लेकिन घर में जाके एक भाई का मुंह उधर है, एक भाई का मुंह उधर है, माँ किधर है, पिता किधर है, बड़ा दुख होता है। अरे माँ पिता का सत्कार करो और गौ माता से प्यार। आज बड़ी शुभ दिन है, आज महाशिवरात्रि का पर्व, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे श्री रघुनाथ शिव मंदिर जंडू सिंह में, और आज श्री गोमतीदास जी महाराज, महामलेश्वर श्री गोमतीदास जी महाराज की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ये बहुत ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इसको अभी तो पूरे 59 साल हो गए मनाते हुए, और अभी ये लगातार इसे 59 साल से चलता आ रहा है पूरे सभी के सहयोग से, और ऐसे ही आगे चलता रहे, भगवान की कृपा बनी रहे ऐसे ही। जिसमें आज हम महाशिवरात्रि के पर्व में बहुत दूर दूर से जो संत हैं हमारे संत सम्मेलन में दर्शन दे रहे हैं, जैसे हमारे भोलादास जी महाराज, जैसे भोलादास जी महाराज, कश्मीरा सिंह जी महाराज कोटफतुही, हरमीत सिंह जी महाराज बाहुवाल, और सतनाम सिंह जी महाराज, और मतलब कि बहुत अलग अलग संप्रदाय से महंत हैं, जो निर्मले हैं, कबीरपंथी महात्मा हैं, बैरागी संप्रदाय हैं, सन्यासी हैं, उदासीन हैं, सभी संतों का यहाँ पर आगमन है, और सभी संतों से हमें यहाँ पर आशीर्वाद लेने का मौका मिला है, और सभी संगत जो है, सभी संगत में इन संतों से आशीर्वाद लेने का उत्साह भी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर सोढ़ल चौक जालंधर में धीर परिवार की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योगेश धीर ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, तो वहीं योगेश धीर ने सभी भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई भी दी और भक्तों में लंगर वितरित किया। इस अवसर पर शशि धीर, बीवी धीर, सनी धीर सहित अन्य शिव भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा और सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज जो पर्व, जो साढ़े भोले शंकर का महाशिवरात्रि का पर्व है, उस पर्व के उपर आज मैं पूरे समाज नू, पूरे देश नू, पूरे पंजाब नू, पूरे जलंधर नू, और पूरे अपने सोडल दे इलाके नू उस महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देना, और इस पर्व के उस भोले शंकर का जो आशीर्वाद आ सब के उपर मेहर भरिया बनया रहे, और इस तरह इस शिवरात्रि के उपर असी उन्होंने हमेशा याद किया, उन्होंने आशीर्वाद साढ़े उपर बनया।
शिवशंकर मंदिर शिवनगर जालंधर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भरत कोहली परिवार की ओर से भगवान शिव की विधिवत ढंग से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया गया। इस मौके पर चेयरमैन गुरुदत्त शिंगारी ने सभी भक्तों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा और सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व समस्त देशवासियों सहित राज्य के सभी भक्तजनों पर अपनी विशेष कृपा भगवान शिव की बरसे। आज के दिन पुण्य अर्जन करना चाहिए। आज पत्र पुष्प फल आदि से विभिन्न प्रकार से भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए, शिव का पूजन करना चाहिए। आज के दिन किया गया शिव अर्चन बहुत ही पुण्य लाभ प्रदान करता है और समस्त मनोरथों को सिद्ध करता है। आज के दिन हर व्यक्ति को यथाशक्ति दान पुण्य आदि का कार्य करना चाहिए और हो सके तो यदि आप शक्ति सामर्थ्यवान हैं तो आप इस दिन उपवास करके भगवान शिव का अर्चन अभिषेक व्रत उपवास कर सकते हैं। श्री शिव मंदिर माँ बगलामुखी धाम न्यू प्रेम नगर जालंधर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महंत हरिराम दास और आचार्य संजय वेदवाल जी ने भक्तों से विधिवत ढंग से मंत्रों उच्चारण सहित भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाया। इस अवसर पर भक्तों ने माथा टेक कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा और सुदेश भगत की रिपोर्ट। शिव शंकर मंदिर की तरफ से शिवरात्रि की सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि का महापर्व है, भगवान भोलेनाथ सबको कृपा बनाए रखें। शिवसेना उत्तर भारत की ओर से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर स्वर्गीय विनय जालंधरी की याद में समर्पित भव्य लंगर का आयोजन मीठा बाजार जालंधर में किया गया। इस मौके पर शिवसेना उत्तर भारत के प्रमुख दीपक कंबोज ने सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी और ये लंगर भक्तों में वितरित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। सारा जय श्री राम। शिवसेना उत्तर भारत वालों विनय जलंधरी की याद में हर साल की तरह इस बार भी कढ़ी चावल का लंगर किनुआ का लंगर लगाया गया है जो हर साल मिठे प्यार लगता है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने केसो ऑपरेशन के तहत दो अलग अलग जोनों से कुल 15 लोगों को किया राउंड अप। फिरोजपुर छावनी के घुमार मंडी में स्थित माता शीतला मंदिर में मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। भगवान भोलेनाथ का कावड़ में लाए गए गंगा जल से किया गया अभिषेक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।